प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को खुली चुनौती देते हुए प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने जेत गांव में रेत के अवैध खनन का आरोप लगाया है। यही नहीं, मंत्री वर्मा ने एमपी न्यूज से खास बातचीत के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में जाने की अफवाहों को भी खारिज किया। देखिए खास रिपोर्ट। आज मध्य प्रदेश में एक बार फिर मॉनसून में बदलाव देखने को मिला है और इंदौर की बात करें तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री सम्मानी श्री सज्जन सिंह वर्मा जी के जन्मदिन का जश्न पूरे शबाब पर है। बारिश की बूंदों के बीच बर्थडे का केक भी कट चुका है। हमारे साथ सीधे मंत्री जी मौजूद हैं, सीधी बातचीत करते हैं। मंत्री जी, सबसे पहले बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। कार्यकर्ताओं का सैलाब उमड़ पड़ा है, पूरे प्रदेश भर से इंदौर का रुख कर लिया है। किस तरह का मैसेज है, क्या महसूस कर रहे हैं? ये मेरे साथियों का, मेरे कार्यकर्ताओं का स्नेह है, प्रेम है। मैं ना चाहूँगी मैं अपना जन्मदिन ना मनाऊँ तो उनका अनुग्रह इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि मुझे जन्मदिन मनाना पड़ता है। इस बहाने गेट टुगेदर हो जाता है, सारे लोग मिल लेते हैं, बातें हो जाती हैं। तो ये साल का एक दिन ऐसा होता है जब मैं अपने संपूर्ण परिवार से मिलता हूँ और हम लोग कोशिश करते हैं कि आज के दिन उन मजलूम लोगों की मदद कर सकें। जैसे आज 50 ट्राईसाइकिल हमने निशक्त जनों को बांटी हैं, कई बच्चों की स्कूल की फीस भरी है, कई बच्चों को कापी किताबें जो ज़रूरत थी उनको दी है। ये तो छोटा सा काम है, अनाथ बच्चों के साथ में खाना खा के आया हूँ। मेरा यही मेरे साथियों को हमेशा कहना होता है कि जीवन की सार्थकता को सिद्ध करो। मतलब एक बार जन्म मिला है तो कुछ ऐसा हम करके जाएँ जो रचनात्मकता की श्रेणी में आता हो। यही सारी बातें होती हैं। क्या लगता है किस तरह से, यूं तो आप राजनीति में तमाम तरह की आपकी बेबाकी देखने को मिलती है, अब आप लोक निर्माण मंत्री हैं तो सड़कों का निर्माण और लगातार लोक निर्माण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ऐसे में इस जन्मदिन पर क्या खास संकल्प है और मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के लिए क्या खास आप आने वाले नए साल में करने वाले? देखिए, मैं एक तो मेरे प्रदेशवासियों को बता दूँ कि सड़क का नाम आता ही PWD विभाग सामने आ जाता है। आज भी एक सड़क का छपा है इंदौर से अहमदाबाद, वो जर्जर हो गई, अभी बनी है और जर्जर हो गई। ये सड़क है असल में केंद्रीय सरकार की है ना, नेशनल हाईवे है, वो हमें मेंटेनेंस का पैसा देते नहीं हैं। और वो तो सड़क अभी बनी और अभी जर्जर हो गई, तो कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। तो मैं अपने प्रदेश की जनता से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस प्रदेश में तमाम सारे नेशनल हाईवे होके गुजर रहे हैं जो जर्जर हालत में हैं, तो उनका ठीकरा मुझ पर आता है कि PWD विभाग की सड़कें हैं, लेकिन मेरे विभाग की सड़कें मजबूत हैं। हमने अभी जो सड़कों का हम टेंडर करा रहे हैं, नई सड़कें, हमने उसमें प्रावधान किया है कि उनके सड़क किनारे वृद्ध वृक्षारोपण हो। चूँकि पर्यावरण मंत्री भी हूँ तो पर्यावरण का ख्याल भी मुझे रखना, वृद्ध वृक्षारोपण हो ताकि घनी छाँव और ऑक्सीजन मिल सके। इसके साथ ही हम इस प्रदेश में 50 ROB रेलवे ओवर ब्रिज, क्योंकि फाटक पे घंटों खड़ा रहना पड़ता है, समय और डीजल वीजल की वो नष्ट होता है, 50 ROB इस प्रदेश में बनाने की मेरी योजना है। बड़े शहरों के लिए फ्लाईओवर बनाने की योजना है, इंदौर में तो मैं ले ही आया हूँ, 5-6 किलोमीटर का एलिवेटेड ब्रिज लाया हूँ, तमाम सारे फ्लाईओवर रिंग रोड पर बनना है। तो इस तरह भोपाल में भी कई फ्लाईओवर हमने मंजूर किए, ग्वालियर में किए, जबलपुर में किए। तो ये एक सपना है कि यातायात का घनत्व कम करना है, दबाव कम करना, तो आपको बड़े शहरों में फ्लाईओवर बनाना पड़ेंगे, तो वो काम चल रहा है। राजा महाकाल की नगरी उज्जैन की बात करें तो एक बड़ा जो है मास्टर प्लान लेकर आई है मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार, ये कैसा है और आपका प्रभार का चूंकि जिला है और पूरी कमान आपके हाथों में है, हाल ही में आपने एक हाई पावर कमेटी की मीटिंग भी ली है, कब तक ये मूर्त रूप लेगा और क्या देश में काशी विश्वनाथ मंदिर के बाद ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर का विकास अच्छे से हो पाए? बिल्कुल, कमलनाथ जी का दृढ़ संकल्प है कि महाकाल 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे महत्वपूर्ण महाकाल को माना जाता है और महाकाल हमारी धार्मिक नगरी है। कमलनाथ जी से जब मेरी चर्चा हुई, चूँकि मैं उज्जैन का प्रभारी मंत्री हूँ, मुझसे पुजारियों ने, पुरोहितों ने, वहाँ की आम जनता ने कहा कि सर इसके लिए कुछ होना चाहिए। हमने एक मास्टर प्लान 300 करोड़ रुपए का बनाया है और हमने कल बैठक ली थी हाई पावर कमेटी की, जिसमें चीफ सेक्रेटरी भी आए थे, नगरी प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह, हमारे जनसंपर्क और धर्मस्व मंत्री PC शर्मा आए थे,
हमने कहा कि जिस तरह बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर का सपना श्री नरेंद्र मोदी साहब का है, उन्होंने जो कहा है कि ये मंदिर भव्य बनना चाहिए, इसका आसपास का इलाका भव्य बनना चाहिए, चाहे भूमि अधिग्रहण करना पड़े, उसी तर्ज पे हमने महाकाल के लिए भी कंसेप्ट तो हमारे पास था, योजना पहले से थी 300 करोड़ की, तो वही हमने एडॉप्ट किया है कि कितनी भूमि अधिग्रहण करना पड़े, किसकी भूमि जा रही किसकी नहीं जा रही, लेकिन एक वातावरण वहाँ दिखना चाहिए धर्म का। बाहर विदेशों से भी लोग आते हैं, फूड कोर्ट हो, ठहरने का सुंदर व्यवस्था हो, जो आदमी वहाँ बैठना चाहे कुछ घंटे बिताना चाहे तो वहाँ ऐसे बगीचे हों जहाँ सुरम्य जहाँ बैठ के। हमारी योजना है कि जब व्यक्ति महाकाल के दर्शन करने आए तो कम से कम 2-3 दिन रुके, ताकि वहाँ का व्यापार भी बढ़े, रोजगार के अवसर भी बढ़े। तो ये एक बड़ी योजना है जो हम पूरी करने जा रहे हैं। कमलनाथ जी ने कहा, जब पहली बार प्रेजेंटेशन दिया अधिकारी ने, कमलनाथ जी ने पूछा भाई ये बंद करो, तुम्हारे कितने समय में चालू करोगे? उन्होंने 6 महीने में, उन्होंने मुझे 1.5 महीने में काम आरंभ होते हुए दिखना चाहिए, 6 महीने में नहीं जानता, कागजों पर बहुत योजना बनती, मुझे मूर्त रूप। तो उसी पे कल मैंने हाई पावर कमेटी की बैठक ली और एक टेंडर मंजूर भी कर दिया और फटाफट निर्माण होगा। यहाँ पर आपसे एक राजनीतिक सवाल करने का भी मन है। हाल ही में देखने में आ रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुछ ज़्यादा ही सक्रिय नज़र आ रहे हैं। फिलहाल वो भोपाल से इंदौर पहुँच रहे थे, एक यात्रा के दौरान उन्होंने सीहोर में कुछ फसलों को नष्ट होते देखा तो मुआवजे की मांग की। तो ये बार बार किसानों के नाम पर जो राजनीति हो रही है, इसे लेकर आपका क्या कटाक्ष? पहली बात तो उन्होंने 2-3 बातें कही, एक तो फसल खराब है उसकी स्थिति के बारे में, किसान के कर्ज माफ़ी के बारे में बात की कि कर्ज माफ़ी हुई नहीं और सर के कांग्रेस ने झूठ कहा है, मुख्यमंत्री ने झूठ कहा है। पहली बात तो मैं बता दूं शिवराज चौहान को कि उनकी ज़मीन उनका आधार खसक गया है मध्य प्रदेश में, तो अनर्गल आरोप कांग्रेस सरकार पे लगा रहे हैं कमलनाथ पे। 20 लाख किसानों का कर्ज हम माफ़ कर चुके हैं, सब प्रमाण उनके घर पे हमने भेजे थे। 50,000 का कर्जा भी 20 लाख लोगों का माफ़ हुआ। अब हमारी योजना है कि जो सोसाइटीज़ हैं उनमें भले 50,000 से 2 लाख तक का कर्जा हो, पहले सोसाइटी का कर्जा माफ़ करेंगे, ताकि जो खाद और बीज की समस्या आती है, यदि वो कर्ज माफ़ नहीं होगा तो खाद बीज नहीं मिलता। उसके बाद 2 लाख तक के कर्जे 3 स्लैब में हम माफ़ कर रहे हैं, 20 लाख के माफ़ हो चुके 48 लाख में से। उसके बाद ये झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात, उन्होंने फसल की बात कही, मैं पूरी जानकारी ली कहाँ कहाँ रुका, सोनकच में भी रुका ये व्यक्ति, सीहोर में भी रुका। फसल नष्ट होने की बात कर रहा है, किसी खेत में जाके देखते तो हम मानते कि भाई वास्तव में पहले तो बोलन खटोला था तो खूब लहराते थे, अब जाके देखते लोगों के बीच में कार से जाते किसी खेत में रुक के देखते तो हम मानते कि हाँ भाई। और कर्ज माफ़ी की बात करने वाला ये व्यक्ति सबसे बड़ा दोषी है किसानों के भविष्य का। 3 बार के चुनाव में उन्होंने कहा हर किसान का 50,000 का कर्जा माफ़ करूंगा, इस बार मेरी सरकार बनाओ, फिर कहा 50,000 का कर्जा। जिस व्यक्ति ने 3 बार झूठ बोल के सरकार बनाई, वो व्यक्ति कांग्रेस की सरकार से कैसे पूछ सकता है कि कर्ज माफ़ी हुई कि नहीं हुई? लेकिन वो तो आधी रात को कलेक्टर की क्लास लगाते हैं, बाकायदा कलेक्टर को बताते हैं, फसलों की मुआयना करने की बात करते हैं, मुआवजे की मांग। अब असल में कोई कलेक्टर सैल्यूट करता नहीं, एसपी सैल्यूट करता नहीं, कोई घास डालते नहीं एसपी कलेक्टर, तो अब किसी मजबूरी है कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं तो डरा धमका के बुला लेते हैं, तो आएंगे और आना भी चाहिए, प्रोटोकॉल है। अब वो भले रात को 12 बजे क्लास लगाएं, सवाल इस बात का है कि यदि खुद आप जाके खेत में देखो तब उस बात का विवरण पत्रकारों को दो, आम जनता के बीच में दो। किसी ने कह दिया साहब फसल ख़राब है, अपन ने भी कह दिया फसल ख़राब है, किसी ने कहा कर्जा माफ़ नहीं हो तो अपन ने भी कर्जा माफ़। आप उन्हें चुनौती देंगे कि आपकी विधानसभा में आए फसलों को देखने के लिए आपके साथ चलने से चुनौती देंगे? मैं तो उनको रेत की चुनौती देता हूँ, फसल वसल तो उनके बस की है नहीं, ना किसानों का कभी भला किया। इनका गांव है सीहोर जिले का जेत, जेत गांव में लगी हुई नदी के वहाँ 4-4 डंपर खड़े हो जाएं तो इतने इतने बड़े गड्ढे, रेत इतना निकाल लिया इनके गांव के वहाँ, इनके गांव से 1.5 किलोमीटर दूर इतना बड़ा जुएं का अड्डा चलता है, कभी इनसे आप पूछना, ये इधर उधर बगले झाँकेंगे। खुद की नाक के नीचे रेत का अवैध कारोबार, खुद के घर से 1.5 किलोमीटर दूर
टेंट लगा के इतना बड़ा जुए का अड्डा बना रखा है, तो ये फसलों के बाद क्या करेंगे? अपने गांव में तुम व्यवस्था नहीं संभाल पाए। एक सवाल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के जहन में, नेताओं के जहन में, कौन बनेगा प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष? आप लगातार से गृहमंत्री बाला बच्चन जी के नाम की पैरवी करते हैं, लेकिन पिछले दिनों देखने में आया कि दिल्ली सूत्रों की माने तो आपका नाम भी चर्चाओं में था, तो क्या मूल रूप से क्या नाम है और क्या चेहरा साफ है? मैंने तो हमेशा पैरवी की है बाला बच्चन के नाम की, क्योंकि हमारे 30 MLA लगभग आदिवासी वर्ग से आते हैं, उनकी ही मेहनत से एक बड़ा हिस्सा उनकी मेहनत का सरकार बनाने में, और बाला बच्चन एक बड़ा चेहरा है आदिवासियों का हमारे कांग्रेस में, और इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं। मैंने तो कहा था कि गृह मंत्री रहते हुए उन्हें प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए, यदि बनाया जाता है तो सत्ता और संगठन का तालमेल अच्छा रहेगा, क्योंकि कमलनाथ जी के मन का भी ठीक है, ठीक एडजस्टमेंट है बाला बच्चन से, तो सत्ता और संगठन तालमेल से चले तभी सरकार के कार्य सार्थक होते हैं। एक आखिरी सवाल, बार बार ऐसी अफवाहें चल रही हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, क्या ऐसी कोई कयासों के बादल हैं और आपको ऐसा कोई संकेत मिले हैं क्या? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया एक कद्दावर नेता हैं, कांग्रेस के बड़े कद के नेता हैं, और वो भी जानते हैं कि कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया है। ठीक है, चुनाव की हार जीत होती है, समय बदलता है, लेकिन मैं जो अपने मन में विश्वास करता हूँ कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत ही ज़हीन और बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं, जिस संस्था ने उनके सम्मान को बढ़ाया है उस संस्था के सम्मान को कभी ठेस ना पहुँचे, ऐसे मैं समझता हूँ कि कभी भी मन में ज्योतिरादित्य सिंधिया की ये नहीं आया कि वो बीजेपी का दामन था। बहुत शुक्रिया, आपने अपने व्यस्ततम समय में से जन्मदिन के मौके पर हमसे खास बातचीत की। तो आपसे प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री श्री सज्जन सिंह वर्मा जी, जो कि बेबाक अंदाज में अपनी बात बेबाकी से रख रहे हैं और मध्य प्रदेश की जनता को न केवल नई सड़कों के साथ साथ आरओबी की सौगात देने की बात भी कर रहे हैं, वहीं महाकालेश्वर मंदिर का जो विकास है उसका मास्टर प्लान का खाका भी पूरी तरह से अब खींचा जा चुका है। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट राकेश राठौर के साथ महेंद्र सिंह, MP News, इंदौर।